अब हेयर स्टाइल कौन सा सूट करेगा कौन सा फेस शेप इस पर हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं डायमंड ऊपर से चौड़ा होता है नीचे पतला उस फेस शेप के लिए इक्वली लेफ्ट और राइट पे हाइट मिलेगी जब हाइट ज्यादा मिलेगी तो फेस लंबा एंड पतला दिखे अभी फूले फूले लग रहे हैं तो आपकी जो जिग्जैक्ट सीजेस होती वो आप चलवा सकते हैं उसके बाद आता है लो मतलब मिडिल एरिया से स्टार्ट होता है उसके बाद आता है टेपर पर कहाँ से फेड हुआ है उसको वो ट्रेस कर पाएगा और हाई चांसेस रहेंगे फॉर अ गुड हेयर कट हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज कैरन एसिंग रो ओन द फॉर्मल एरेट जब बच्चों ने बाल कटवाते थे तो पापा साथ जाते थे या तो बाल बहुत छोटे होते थे या तो कटोरा कट या तो इतने इंट्रोवर्ट है कि कहीं नहीं जाता भैया कैसा लगा कट आंसू अरे खुशी की है भैया या तो कभी दिखाते हैं शाहिद और निकलता है शक्ति अरे भैया कपूर तो कॉमन है अरे धर्म संकट कब खत्म होगा अच्छे हेयर कट का आपके फेस शेप पे कौन सा हेयर कट जाएगा एंड लेटेस्ट ट्रेंड्स कम से कम डैमेज में एंड बजट के अंदर कैसे करवाए आइए रेगुलर हेयर कट से सिर्फ स्प्लेटेन हटे या आपकी हेयर वर्थ फास्ट हो जाए ऐसा नहीं है इट गिव्स यू हायर चांसेस कि हर बाल बाल ऑन पॉइंट कटेंगे क्योंकि अगर एक बार बाल गलत कटे तो एक डेढ़ महीने लिए लाइफ ऐसी हो जाती है कि वो दोस्त हो जिसको नॉनवेज पसंद हो उसके लिए मंगलवार आ गया हो या आपके मुख्य दोस्त के लिए नोरह नवंबर जब भी नई जगह ट्रैक करते हैं लोग निशानी छोड़ते हैं कि रास्ता ना भटक जाए सेम वेज अगर टाइम टू टाइम आप हेयर कट कराएंगे तो आपका बार बार आपका पार्टीशन कहाँ से हुआ है कितने नंबर पर कहाँ से फेड हुआ है उसको वो ट्रेस कर पाएगा और हाई चांसेस रहेंगे फॉर अ गुड हेयर का आप कितना फ्रीक्वेंटली करा है से पैंतीस दिन सजेस्ट करा जाता है बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर हेयर ग्रोथ अब हेयर स्टाइल कौन सा सूट करेगा कौन सा फेस शेप इस पर हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं लेकिन कभी पार्टीशन पे हमने ध्यान ही नहीं दिया कभी दाएँ कभी बाए कभी आए हाय लेकिन अगर पता हो एग्जैक्ट कौन सी जगह से पार्टीशन चीर या मांग बनानी है तो उससे आपका जो भी फेस शेप है उसको हम एनहैंस कर सकते हैं और आपकी जो कमियां हैं फेस की वो छुपा सकते हैं अब फेस शेप जानने का इजी और फ्री तरीका क्या है आईओएस के लिए एंड्रॉइड के लिए ऐप फ्री है दोनों उसको डाउनलोड करके आपको अच्छी लाइटिंग रखनी है आई लेवल पे कैमरा रखना है सेल्फी लेनी है एंड योर फेस शेप इज़ है अगर आपका राउंड फेस शेप है तो मिडिल या मिडिल से थोड़ा साइड क्योंकि मिडिल तो तेरे नाम वाइज देता है आपको राउंड फेस के ऊपर दोनों साइड इक्वली लेफ्ट और राइट पे हाइट मिलेगी जब हाइट ज्यादा मिलेगी तो फेस लंबा एंड पतला दिखेगा स्क्वेयर फेस ऑलरेडी बहुत एजी होता है अगर उस पर स्पाइक्स खड़े कर दिए आपने मिडिल पार्टिंग दे दी तो वो और एजी लगेगा लोग आशीष की जगह ईटा बुलाना शुरू कर देंगे तो बेस्ट तरीका क्या है साइड स्कूल का शॉर्ट रखे एंड सॉफ्ट साइड पार्टिंग जिससे आपके भी कम हो जाएंगे एंड फेस भी बेटर दिखेगा अब डायमंड ऊपर से चौड़ा होता है नीचे पतला उस फेस शेप के लिए कुशबैक हो गया साइड फ्रिंज हो गई या साइड क्विफ हो गया ये ऐसे हेयर स्टाइल्स है उस चीज को एरिया को हाईलाइट नहीं करेंगे वो थोड़ा शेडो कर देंगे कि बैलेंस बने और फेस अच्छा दिखे ऑबलॉंग फेस स्ट्रक्चर ऐसा है कि छोटे हेयर स्टाइल जैसे कि बस कट हो गया मैसी स्पाइक्स हो गया साइड स्पाइक्स हो गया उसको और एनहेंस करते हैं और कौन से फेस शेप पे कहाँ से पार्टीशन करना चाहिए उसको एनहेंस करने के लिए फॉर एवरी फेस हेयर इज द चार्ट जब आपको अपने फेस शेप के हिसाब से पता चल गया एग्जैक्ट पोजिशन क्या है तो कोई मार्क बना ले कि आईब्रो से मिड से है एंड से है

पता लग गई है तो हमेशा नेचुरल के ऑपोजिट डायरेक्शन में बालों को सेट करें जिससे कम से कम प्रोडक्ट में नेचुरली वॉल्यूम आ पाए बाल जब भी कटवाने जाता हूं अच्छे कटते ही नहीं है सबसे पहला रीजन क्या है जब बाल लंबे हो जाते हैं सेट नहीं होते हम कैप पहनने लग जाते हैं कैप या बैंड जब पहनते हैं उसको प्रेशर डालता है और अननेचुरल शेप बन जाती है जब उसमें काटेंगे तो बाल छोटे और लंबे कट सकते हैं और सेम डे कंडीशनर यूज करा या बहुत सारे प्रोडक्ट कल लगाए थे और बालों में हल्के से वो रह गए हैं या कभी कभी डीप ऑयलिंग करिए वो एक वॉश से नहीं जाती बालों में हल्का ऑयल रह गया इन चीजों से बाल बिल्कुल क्लीन नहीं रहते सीजर अच्छे से नहीं चलेगी या बाल अनइवन कट सकते हैं द बेस्ट सोल्यूशन को नेचुरल शेप में लाए और क्लीन करें बाय अ डीप शैंपू वॉश बट वो हार्श या या टिपिकल जो एंटी बालों को फैला देते देते हैं या बहुत रफ कर देते हैं वो अच्छी कंडीशन नहीं होती बालों को कट करने के लिए कोई भी माइल्ड शैंपू जो डर्ट को और प्रोडक्ट को रिमूव करे और जो भी प्रोडक्ट डैमेज करते हैं उसको रिपेयर करें एट द सेम टाइम बालों के लिए ज्यादा हार्श ना उसको इंटेंसली मॉइस्चराइज करे बाल हेल्दी कंडीशन में आएंगे तभी यू कैन गेट अ प्रॉपर हेयर कट एंड विंटर्स में वैसे भी बालों को थोड़ी मॉइस्चराइजेशन तो चाहिए रहती है ऐसा शैंपू खरीदने के लिए इंग्रीडियंट पर ध्यान देने पर जैसे कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, जैसे कि आपका जोजोबा ऑयल हो गया, वो आपका रफ बालों को डैमेज को रिपेयर करता है एंड आपका ई e हो गया फ्लेकी स्कैल्प को ट्रीट करता है अच्छा हेयर कट तो आएगा आएगा, बाल ओवरऑल हेल्दी रहेंगे एंड मॉइस्चराइज रहेंगे परफेक्ट तरीका है हेयर कट से 30 से 40 मिनट पहले मैं शैंपू करता हूं बीब्रेन का इंटेंस मॉइस्चर शैम्पू जो भी क्वालिटीज बताई थी इसके अंदर है उसके बाद कॉटन टी शर्ट से उसको हल्का सा ट्राई करा एंड आई एम रेडी फॉर पता हेयर कट की ब्यूटी देता है साइड फेड वो चार तरीके के होते हैं सबसे पहला होता है हाई फेड मतलब आपकी पार्टीशन से एक से डेढ़ लो मतलब मिडिल एरिया से स्टार्ट होता है उसके बाद आता है टेपर मतलब आपकी जो साइड बर्न्स है और आपका जो नेक एरिया है पीछे का सिर्फ वहां पे फेड होता है उसके बाद आता है छपरी फेड मतलब एक ही मशीन पूरी मारती है जो भी आपकी कलम है और आपकी दाढ़ी उसके बीच में कोई कट नहीं रहेगा स्टार्ट कैसे कराते हैं फेड आपकी जो ऊपर की

उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाता है और क्या बाल सूखने के बाद शेप अलग ले लेते हैं तो वहीं पर उसको सेट करें शर्मा नहीं आधा इंच ऊपर नीचे कुछ भी आगे पीछे होगा उसको तुरंत ठीक कराए फिर इसको और शेख दिखाने के लिए एजिंग टेक्निक बेसिकली उस तरह हो गया या जीरो मशीन होती है उससे आपका फोरहेड हो गया कलमे हो गई या आपका टेम्पल एरिया हो गया उसको हल्की सी आउटलाइन देनी है जो भी बेबी हेयर होते हैं ना सिर्फ उसको सेट करके एक आउटलाइन देनी है जो ओरिजिनल मोटे बाल है उसको पीछे नहीं खींचना है या आपकी नेचुरल शेप फॉर एग्जांपल आपका फोरहेड पे वी बनता है तो उसको स्ट्रेट नहीं कर देना है बिल्कुल नेचुरल